हेलो एंड वेलकम दोस्तों का मेरे चैनल टेक्स पर एक बार फिर से दोस्तों इस वीडियो के अंदर वी आर बैक विद बुढ़ी चैप्टर टू। ओके गाइस, मैं आपसे 7-8 दिन बाद मिलता हूं बिकॉज को टाइम इतना लगता है उठने में। फाइनली गाइज मैं आ चुका हूँ इस गेम के अंदर एंड गाइज मैंने सोच लिया है कि हमें कैसे एस्केप करना है। हम जाएंगे सीधा हेलीकॉप्टर एस्केप के साथ। ओके तो मुझे ज़्यादा इजी लगा, मैं थोड़े से यूट्यूब पे वीडियोस देखी किस तरह से कर सकता हूँ मैं एस्केप ज़्यादा आसानी से, तो मुझे एक हेलीकॉप्टर एस्केप ज़्यादा सही लगा। यहाँ पे क्रोबार चाहिए, इसको मैं खोलने वाला हूँ नहीं। ओके हमेशा बुढ़िया होती है यहाँ पर और पियानो इस बार नहीं बज रहा तो तबाही नहीं मचेगी। शुक्र और तबाही मचाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग आई थिंक चले गए। चलो चलते हैं यार, किन से डर रहा हूँ मैं अभी, बुड्ढो है। ट्रैप बिछा के चले गए वो, तो यार ट्रैप ही बिछाया होगा। मेरे को लग तो ऐसा ही रहा, मैं देखो तेज तेज भाग रहा हूँ ना, इस कारण उनको सुन रही है चीजें, तो मेरे को धीरे। ओके यहाँ पर बेवकूफों ने ट्रैप लगा दिया लेकिन उनको पता नहीं मैं बिग ब्रेन है। तो या ओ, पहले तो हम यहाँ पर खोल लेते हैं इसको पहले और देखते हैं हमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता। म्यूजिक यहाँ पर देख लेते हैं कुछ मिला क्या। अरे खुल जा बबट। ओके यहाँ पर कुछ मिल नहीं, यहाँ तो वैसे कुछ नहीं मिलने वाला इसके अंदर। इसके अंदर चलते हैं कमरे के अंदर और सबसे पहले तो मैं ये गेट बंद कर देता हूँ कमरे वाला, ताकि वो चलते फिर से मेरे को देखना ले। और भाई नीचे से स्टार्टिंग करते हैं इसके दोबारा, देखते हैं कुछ मिलता है क्या। म्यूजिक पपट बड़ा पोपट, ओ सॉरी एक बार पोपट नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर मैनुअल मिल गया गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है बाय द वे हेलीकॉप्टर मैनुअल। ओके अब हम हेलीकॉप्टर पोपट। ओके गाइस तो हम अभी हेलीकॉप्टर का साइन आप देख सकते हो, आई थिंक अब हम हेलीकॉप्टर चलाने के एलिजिबल हो गए। ओके हाँ अब हम हेलीकॉप्टर चला सकते हैं मेनली, और इसको खोलने के लिए मुझे चाहिए सेफ की एंड मुझे कोई भी आइडिया नहीं कि सेफ की कहाँ से मिलेगी। आई थिंक एक की तो होती है जो वो जो दादा के सर पे होती है, सर ओ दादा के सर पे नहीं दादा के गले में होती है। ओह माय गॉड दादी, ओ यार बुढ़िया बुढ़ी कितनी देर लगाएगी आने में। ये भी ना मतलब भागा नहीं जाता आजकल इससे, लेकिन पकड़ने मेरे को फिर भी आएगी। इसको पता नहीं मैं दोस्त हूँ, मतलब दोस्त के दोस्त का दोस्त के दोस्त के दोस्त के दोस्त के दोस्त का दोस्त के दोस्त। 1 hour later उस कमरे में पता नहीं क्या करती रही वो बुढ़िया। ओके ठीक है तो अब मेरे पास गाइस एक्चुअली हेलीकॉप्टर मैनुअल है एंड मुझे सेफ की चाहिए। देखो सेफ की एक तो दादाजी के गले में होती है, तो गले के अंदर पता नहीं कौन सी होती है, मुझे पता नहीं कौन सी की होती है लेकिन की तो होती है। तब ओके मुझे कुछ मिला, आई थिंक रेंच है ना, ये रेंच या मेरे को रेंच मिल गया। और मुझे आई थिंक पता है कि रेंच को कहाँ लगाते हैं, एक जगह है लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर ट्राई कर लेता हूँ कुछ मिले तो। ओ कुछ मिल रहा है, डोर लॉक। यार ये क्या है, इसको छोड़ो एक बार हम इस कमरे में चलते हैं। यहाँ पर दादी तो नहीं है ना, नहीं है नहीं है। और पहले मैं ये पुस्तक से हटा के खोल लेता हूँ। अरे यार एक तो ना मेरे को ना छोटा छोटा डॉट है ना ये बनाना बड़ा मुश्किल लगता है। ओके अब ये आवाज़ करेगा तो मैं फटाफट इस कमरे में चल जाता हूँ, वैसे भी हमें काम भी इसी कमरे से ही है। बंद करा ये कमरा। और वो एलियन कहाँ पे है, कोई सेंस है इस बात की? ओ माय गॉड वो रहा एलियन बेवकूफ सा। ओके वहाँ पर कुछ है तो मैं पहले तो रेंच से ना एक काम करता हूँ, यहाँ से नीचे जाके वो खोल लेता हूँ, पानी हटा देता हूँ मतलब, और मुझे झुकना पड़ेगा। या ओके स्टन गन, ओ माय गॉड गाइस लेट्स गो। इस बार तो मैं ऐसा मारूंगा ना उन दोनों दादा दादी को। एंड मैं गाइस यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूँ रेंच। ओके पानी चला गया बाय द वे, जहाँ पे वो इल्यूमिनाटी आ जाता पानी में से। ओ माय गॉड ओके और ये क्या पड़ा है बाय द वे, तबाही क्या मच रही है इसमें। ओ माय गॉड ये क्या, इसको पहले स्टन कर देते हैं ये पहला वारिस पे ही।
बूम। ए आ मरना। ओ ये पीस ऑफ पिक्चर। लेकिन हम पहले ये अपना वो एमो ले लेते हैं। अरे यार ये बड़ा मुश्किल लगता है मेरे को लेना। ओके ओके ले लिया ले लिया। ओए चीख मत मारूंगा इतना ना, याद रखेगा। ओके ये आई थिंक सेफ की है क्या? पैडलॉक की, पैडलॉक की तो आई थिंक गाइस हमें उसमें चाहिए होती है ना। सरप्राइज मदर। ओह माय गॉड, नहीं नहीं दादी। अरे यार Day 2। एनीवेज हम जाने वाले हैं दोबारा उस एलियन के पास ही, या फिर आई थिंक गाइस हमें एक बार एलियन के पास नहीं जाना चाहिए, हमें एक बार ऊपर जाके देख लेना चाहिए कि अगर हमें कुछ ऊपर सही चीज मिल जाए तो हम हेलीकॉप्टर एस्केप कर सकते हैं। ओ नहीं, ये वही है ना ट्रैप। अरे यार ये ट्रैप से कैसे बचूं? बच गया ट्रैप से। और अब मुझे थोड़ा धीरे। और नहीं यार ये दादी ना, क्या प्रॉब्लम है इस दादी के। म्यूजिक। आ दादा, Day 3। तो मैं ऊपर ही जाने वाला हूँ गाइस, ऊपर जाकर ज्यादा माल मसाला होता है, ठीक है। और यहाँ पर इस बार नहीं है, और मेरे को धीरे धीरे चलना पड़ेगा ना यार, मैं तो तेज भाग रहा हूँ ना। एक तुम दादा दादी को ना कान इतने लंबे लंबे है ना। ये तो टट्टी है। अरे यार ये फिर क्या प्रॉब्लम है यार? ओए यार नहीं दादा, नहीं फंसा दिया है। चीटिंग करती है दादी तो यार। नहीं यार Day 4। तो अब मैं जाना कहा धीरे धीरे से जाकर कोशिश करूंगा, ठीक है। धीरे धीरे से चलूंगा ना तो क्या इनको शक नहीं होगा कि कोई है दादा की। नहीं यार नहीं 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 नहीं। ओहो इसकी आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है दादी की। पर जब भी जाता हूँ मैं ऊपर पता नहीं क्यों आ जाती है यार। मैं तो धीरे धीरे चल के गया था पिछली बार, ऊपर से ही आ रही थी। ओके दादा ऊपर जा रहा है तुम दादाज की, आप देख सकते हो। ओके और अब इस बार मैं ऊपर नहीं जाने वाला, ठीक है। ऊपर जाऊँगा तो यार मुझे एक आधा इनके साथ और मिल जाएगा। मुझे एक तो सेफ की चाहिए, ठीक है। अरे यार क्या प्रॉब्लम है इनके, कहीं पे भी जाऊँ यहीं पे ही होते हैं, बीफ को से आस पास ही भटकेंगे। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ओके मैं इस कमरे में जा रहा हूँ बाथरूम वाले। दादी कहाँ है? दादी वहाँ है क्या? अरे यार पागल बुढ़िया तो फिर आ गई यार। हे भगवान कहीं पर भी जाऊँ ये आ ही जाते हैं। ओके अब मैं इसको पागल बना दूंगा। ए बुढ़िया भाई तेरे बस की नहीं है, भाग जाए यहाँ से। पहले भागना सीख किया उसके बाद आना मेरे साथ में। अंधी जा वहाँ पे, यहाँ पे हूँ मैं। पागल सी मुझसे लड़ेगी। ओके ओ माय गॉड कुछ मिला मेरे को, ग्लास फ्यूज। ग्लास फ्यूज क्या है इस ग्लास फ्यूज में? गई 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 भाई साहब तबाही, गई गई फाइनली चली गई पागल बुढ़िया। अब मेरे पास देखो, ओए यार यहाँ, हे भगवान यार इनके क्या प्रॉब्लम ही रहती है हर बार। मैं तो छुप रहा हूँ नीचे। ए दादी तेरे दम में तो मार के दिखा मेरे को। बुढ़िया कमर में दर्द हो जाएगा झुकेगी तो। बेवकूफ सी। ओह माय गॉड व्हाट इज दिस, क्या बात है। वेपन की? ओके मुझे वेपन की चाहिए ना। अब वो कहाँ से मिलेगी? असम्मत तो बुढ़िया यहाँ से टप ले, खा लेगी मुझसे वरना। ओके गाइस मुझे वेपन की चाहिए अब तो, लेकिन मिलेगी कहाँ से यार वो मुझे पता नहीं है। ओके मुझे ढूंढनी पड़ेगी वेपन की भी। तो देखो शॉटगन है ना, इससे तो मेरे को लगता है सफा चक हो जाएंगे ये, लेकिन अगर ख़त्म ही हो जाएंगे तो फिर किस काम की ग्रैनी। मेरे ख्याल से ये 2-3 मिनट तक स्टंट रहेंगे। चलो कोई बात नहीं, ये बढ़िया है, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा वेपन साबित हो सकता है गाइस अगर मैं इसको अनलॉक कर लूँ, एंड ये काफ़ी सही रहेगा यार। ओके अब चली गई दादी, तो चलो यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर मुझे कुछ मिलेगा क्या? यहाँ लास्ट टाइम मुझे यहाँ पे आई थिंक हेलीकॉप्टर मैनुअल मिला था। हाँ यहाँ पर कुछ नहीं है इस बार। ओके अरे मैंने गिरा दी यार पेंटिंग, गिरा दी शेटा भाईगी दादी। पेंटिंग और लगा कर रखते हैं बुढ़ा बुढ़ी पागल से। अरे यार ये लॉक है पता। वैसे ना मैं यहाँ पर देखो ये ना काफ़ी सही रास्ता है ऊपर सेकंड फ्लोर पे आने का, बहुत ज़्यादा सही रास्ता है, लेकिन इसको अनलॉक करने के लिए मुझे पहले वहाँ से जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर कोई टेंशन नहीं है ना, उसके बाद फिर मैं यहीं से आ जाया करूँगा। अरे नहीं ओ भाई साहब नहीं 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 नहीं, बुढ़िया को पता ना लगना चाहिए बिल्कुल। वो देखो वहीं पे ही खड़ी है पागल सी। ए बेस्ती तेरे पता भी है। ओ नहीं ओ सॉरी यार ये ऊपर आ सकती है क्या? मेरे को लगा इसके पैरों में दर्द नहीं आ सकती, सॉरी। अरे यार अब ये जलेबी बनाएंगे हमारी।
ओके डे फाइव द लास्ट डे, ओ माय गॉड मैं क्या कर सकता हूँ अब इसके अंदर यार, कुछ बचा भी नहीं। ऊपर जाऊँ तो दादा मिल जाता है, नीचे आऊँ तो यहाँ पर दादी भटकरी होती है, कहाँ जा सकता हूँ मैं अब। मैं पूरी तरह लंगड़ा बन चुका हूँ और खूनम खून भी हो चुका हूँ। अब देखो मैं जा रहा हूँ सीधा ऊपर ये देखने के लिए, ताकि हम अगले एपिसोड में इसको अच्छी तरह कंटिन्यू कर पाएँ, बिकॉज मैं जब तक इसको कंटिन्यू करूँगा तब तक मैं इस गेम में हेलीकॉप्टर एस्केप कर नहीं लेता। ठीक है मैं ज़रूर करूँगा इसको। ओह माय गॉड ये पेंटिंग पहले से निकली पड़ी है, मैंने तो निकाली नहीं थी। ओके अब कोई आ गया ना मेरे सामने, देख लेना फिर कुछ सेंसेस बात करते। अरे यार ये क्या पागल सी दादी ऊपर ही रहती है क्या यार, हर बार ही ऊपर आएगी। ओ दादा भी नहीं यार, के भगवान ये पागल बुढ़ा बुढ़ी पे एक फूफ से। ओके मैं उनको पागल बना दूंगा थोड़ा सा। ओके पागल बना दिया मैंने बेवकूफों को। अब दादी नीचे आई हुई होगी तो ओके वो रही दादी गाइस, और वो पागल दोबारा ऊपर जा रही है, इसका मतलब मैं ऊपर तो जा नहीं सकता। ठीक है और नीचे यहीं पर आसपास दादा भटक रहा है, और आई थिंक दादा नीचे गया ना सीढ़ियों से। हाँ दादा नीचे है और दादी ऊपर है। ठीक है अब बीच वाला फ्लोर इसका मतलब एकदम पूरी तरह खाली, और बीच वाले फ्लोर में मैं सब कुछ देख चुका हूँ तो कोई मतलब नहीं बनता बीच वाले फ्लोर में जाने का, तो मुझे जाना ऊपर ही पड़ेगा गाइस, कुछ भी कहूँ ना कहूँ मुझे जाना ऊपर ही पड़ेगा। अरे कौन किसने देख लिया मेरे को, अरे यार ये पागल दादा यार भगवान नहीं नहीं मार ले मुझे मार ले। म्यूजिक अच्छा ये इसके लिए मम्मी मारने के लिए रखे हैं इन बेवकूफों ने, नहीं नहीं पूछेगा नौकर का गुलाम कहीं का नहीं घुसेड़ दिए रे। इसी के साथ गाइस हमारा आज का वीडियो भी ओवर करना पड़ेगा, बिकॉज हम इसको कंटिन्यू करेंगे अपने अगली प्यानी वाली वीडियो में। एंड डोंट वरी गाइस इसको कंटिन्यू करेंगे एंड जरूर जीतेंगे, हेलीकॉप्टर एस्केप ही करूंगा इस बार तो मैं। एंड डोंट नो इसके बीच में सीरीज के बीच में हमारी इसमें कोई अपडेट आए या फिर कोई नया वेपन या कुछ ऐसे आए तब वो भी मैं मेरे को बताएंगे, मेरा तब प्लान बदल सकता है। लेकिन अभी के लिए तो जब तक बोट और हेलीकॉप्टर में से मेरे पास ऑप्शंस हैं तब तक के लिए तो मैं हेलीकॉप्टर एस्केप ही करूंगा। एंड डोंट वरी अगले एपिसोड के अंदर मैं वैसे भी तबाही मचाने वाला हूं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट टू। एंड बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय एंड आल्सो एडियोस। मैंने की है मेहनत जो देखा मैंने पा लिया, मैंने की है मेहनत जो देखा मैंने पा लिया।